नमस्कार, आप सभी का रेनो स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित विषय में प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न संख्या 2 के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले वाले प्रश्नों को पीछे के वीडियो में हल कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है। इसमें 6 प्रश्न है जिसमें से 2 प्रश्नों को अपने हल करना इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो उससे पहले देख लीजिए कि जो द्विघात बहुपद है उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला एक छोटा सा आपको याद रखना है कि जो द्विघात बहुपद है उसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योगफल गुणा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल, सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और प्रश्न अपना हल हो जाएगा। चलिए पहले ये प्रश्न हल करते हैं। इसका द्विघात बहुपद अपने को ज्ञात करना है। तो हल पहले जो दिया हुआ है लिख लेते हैं। यहाँ पहले दिया हुआ है शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है अंडर रूट 2। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा कितना दिया हुआ है 1/3। फॉर्मूला लगाएंगे द्विघात बहुपद बनाने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा यानी शून्यांकों का योगफल एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल या एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है अपना अंडर रूट 2। एक्स का एक्स लगाएंगे प्लस अल्फा गुणा बीटा दे रखा है आपको 1/3। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहां तक भी आप इसको लिखकर आंसर दे सकते हो, परंतु जो अपने एनसीईआरटी बुक्स में जो आंसर है वो भी अपने निकाल लेते हैं कि इन प्रत्येक के नीचे क्या लगाएंगे, 1 लगा देते हैं। 3 क्या आ रहा है लेस है, तो 3 लेस है ले लिया। 1 का 3 में भाग देंगे 3 आया, 3 को x से भाग किया 3x2 माइनस 1 का 3 में भाग दिया 3 आया, 3 को अंडर रूट 2 से गुणा किए तो क्या आ गया 3 अंडर रूट 2x प्लस 3 में 3 का भाग दिया एक बार, 1 को x से गुणा किया 1। अब आपने क्या करना है, आपने को समीकरण नहीं बनानी, सिर्फ बहुपद बनाना है। अगर इस पूरे को 0 के बराबर रखें, पूरे को किसके बराबर रखें 0 के बराबर रखें तो ये 3 इधर आते क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो अपने आप जो बहुपद है वो क्या प्राप्त हो गया, अतः जो द्विघात बहुपद है वो अपने को प्राप्त हो गया 3x² माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बराबर शून्य नहीं रखेंगे, अगर बराबर शून्य रख दिया तो क्या हो जाएगा ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा, द्विघात समीकरण रहेगा। तो इस तरह से आपको ये हल करना है। अब एक प्रश्न और हल कर लेते हैं, 5वां। दिया हुआ क्या है, दिया है शून्यांकों का योगफल कितना दिया है माइनस का 1/4। शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया है 1/4। सूत्र लगाइए, अतः द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल गुणा एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल या एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस योगफल आपको दिया हुआ है माइनस का 1/4 एक्स गुणनफल क्या दिया हुआ है 1/4 कॉस्ट डाल दीजिए या एक्स स्क्वायर माइनस को माइनस से गुणा किया क्या हुआ प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। यहां तक भी आंसर आप निकाल सकते हो, परंतु इसको अपने लेस लेकर और हल कर लेते हैं। लेस है क्या आ रहा है इसका, या 4 लेस आ गया, इसके नीचे क्या लगाना है 1, 4 में 1 का भाग दिया 4, 4 को एक्स स्क्वायर से गुणा कर दिए 4x स्क्वायर। यहां देखिए
प्लस चार में चार का भाग दिया एक, एक को गुणा किया एक से तो एक एक्स, प्लस वापिस चार में चार का भाग देंगे एक, एक को गुणा किया एक। इस पूरे को किसके बराबर मान सकते हैं? शून्य के बराबर, क्योंकि अपने को सिर्फ बहुपद ही ज्ञात होना है, तो ये इधर जाके जीरो हो जाएगा। अतः बहुपद क्या हो गया? बहुपद बराबर चार एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस एक, ये अपना क्या होगा आंसर आ गया। इस तरह से इन प्रश्नों को हल करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।